ओके। जनरली नहीं होगा। ओके सो लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर अगेन। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। So you know, atom, in the atom there is a positive charge that we called as nucleus, okay? And we have discussed about both the models, Rutherford and the Bohr model of atom, ठीक है? इन मॉडल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास क्या कर रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग। ओके, हियर द इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का। ओके, बट रदरफोर्ड ने सिंपली ही डिडंट गिव द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्बिट, एनर्जी शेल्स का जो था उसने नहीं दिया था। ओके, विच ही फेल्ड टू एक्सप्लेन एंड दैट वाज एक्चुअली एक्सप्लेन बाय द बोहर मॉडल ऑफ एटम इन विच ही टेक द एग्जांपल्स ऑफ द एनर्जी शेल्स। ठीक है, तो उसने कहा कि इसके आसपास क्या है, देयर आर सर्टेन ऑर्बिट्स, देयर आर सर्टेन एनर्जी शेल्स, इनको आप ऑर्बिट्स कहते हो और इनको आप एनर्जी शेल्स कहते हो। वेयर द एनर्जी ऑफ दीज पर्टिकुलर शेल्स और एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिट्स दे विल बी सेम। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन इट बेसिकली मूव इन दीज एनर्जी शेल्स और इन दीज एनर्जी ऑर्बिटल्स, राइट? एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच इज गिवन अकॉर्डिंग टू द के एल एम एन शेल, where we are will be discussing about the magic numbers, that is 2, 8, 18 and 13. The first shell, it will be having 2 electrons, that is the K shell. The second shell, that is the L shell. And the third shell is M shell. Okay, so here we are going to actually discuss about the atomic number and atomic mass. So isme hum kya lete hain? एटॉमिक नंबर दैट इज बेसिकली डिनोटेड बाय द जेड, तो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है दैट कंसिस्ट ऑफ द किस किस का बना हुआ है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, द डिस्कवरी ऑफ विच वी हैव डन ऑलरेडी। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन ही एक्चुअली डिस्कवर्ड द प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जे जे थॉमसन, एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स वॉज डन बाय जेम्स कैडविक। ओके, जेम्स कैडविक। तो पहले इनिशियली वी ओनली न्यू अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स का पता था, ठीक है? उसके बाद जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, फ्रॉम दैट वी एक्चुअली नो दैट द न्यूक्लियस इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स। Okay, so neutrons and protons, here we know that the atom on the whole is neutron. Okay,
एटम ऑन द होल इज न्यूट्रल, विच मीन्स इसका क्या मतलब है, वट एवर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बेसिकली द नेगेटिव चार्ज, ओके, सो दैट विल बी द इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, एंड प्रोटॉन्स दे कैरी विच चार्ज, तो क्योंकि एटम ऑन द होल न्यूट्रल है तो इसीलिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हमारे जो प्रोटॉन्स होंगे दे बोथ विल बी सेम. Okay, now here if I talk about the atomic number, then atomic number Z is actually equal to the number of protons. But क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि जितने protons होंगे उतने ही क्या होंगे electron. तो Z आपको और क्या देता है, तो अगर आपको electrons पता है या अगर आपको protons पता है तो इन दोनों वे से आपको क्या चीज का पता होगा, the value of Z. That is the atomic number. Okay. Now mass number. You know the mass number of first 20 elements. पता है आपको? ठीक है? अगर आपको नहीं भी given होंगे तो you can predict the mass numbers, right? But actually the mass number is equal to number of neutrons and number of protons. Clear beta? ठीक है, अब this is mass number. Now it is denoted by A. A हम क्या कहते हैं, mass number कहते हैं. Okay, now you know that the number of protons they are denoted by Z, that is atomic number. तो अगर मैं यहां पर Z लिख दूं, here it will be number of neutrons. तो अगर आपने neutrons निकालने हैं, that will be equal to A minus Z. ठीक है? तो Z पता है, अगर आपको, and you know mass number, and if you want to find the neutrons, then you will be subtracting A, okay? You will be subtracting Z from the A. Clear है यहां तक? ठीक है? अब इसकी questions कैसे आते हैं? For the question part, you will be given with the atomic number. Suppose मैंने दे दिया है 17, ठीक है? And I have given you the Z value also. 17 के लिए Z की value होती है, ये points में चली जाएगी. 16 के लिए ले लेंगे. Sorry, A. If the atomic number is 8, तो यहाँ पर ये Z जो है वो क्या हो जाएगा, 16. Okay? अब निकालो number of neutrons, protons. A 16. चलो. अब निकालो number of protons, neutrons and electrons. Find this. हाँ जी, 8 8 8 कैसे आएगा? ओके, सो हेयर द एटॉमिक नंबर इज 8, दैट मींस वी आर गिवन विद जेड. जेड 8 है, तो यानी कि प्रोटॉन्स भी 8 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? ओके, अब अगर मैंने न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, आई विल बी सबट्रैक्टिंग दिस जेड फ्रॉम ए, ठीक है? तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू, क्लियर है? मैं आपको एक टेबल देती हूँ, कंप्लीट दैट टेबल. आई विल बी गिविंग यू वन टेबल, कंप्लीट दैट. हियर आई हैव गिवन यू द एलिमेंट्स, beryllium, magnesium, silicon and phosphorus, their number of neutrons, their number of protons, number of electrons,
आई एम अज्यूमिंग यू नो दैट. चलो इसका दे देती हूँ एक और. चलिए फाइंड आउट नाउ. Elements are given to you, protons and electrons. बेटा बड़ी जल्दी याद आ गया. आधा पीरियड निकलने दो और फिर ले आना. जाओ हांजी डन. कर लिया बेटा सबने? कर लो, बाद में सारे डिस्कस करेंगे. आप करो पहले आदित्य. बहुत अच्छी बात है. न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थोड़ा सेम रहते हैं बेटा, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं. चलिए लेट्स सी नाउ. फर्स्टली प्रोटॉन्स आर गिवन टू यू. अगर आपको प्रोटॉन्स पता है और ये न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे. इलेक्ट्रॉन्स विल बी ओके. अगर न्यूट्रॉन्स पता, अगर इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए हैं, प्रोटॉन्स पता चल गए हैं, तो जेड इज ऑल्सो सेम. दैट इज. अब आपने न्यूट्रॉन्स कैसे निकालने हैं? ए माइनस जेड करके. तो 9 - 4 विल बी. क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या नहीं गिवन है? प्रोटॉन्स नहीं गिवन है, ए नहीं गिवन है और जेड नहीं गिवन है. बट दे हैव गिवन यू दैट आर 12. अगर इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं तो प्रोटॉन्स, अगर ये 12 है तो ओके. यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमने अभी पढ़ा है दैट द एटॉमिक नंबर इट इज बेसिकली इक्वल टू न्यूट्रॉन्स प्लस. एटॉमिक नंबर नहीं पता है, न्यूट्रॉन्स पता है, प्रोटॉन्स भी पता है. क्या? हाँ, एटॉमिक मास. एन प्लस पी कर देंगे हम यहाँ पर. 12 + 12 विल बी. देन फॉर द सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए आपको क्या नहीं पता है? प्रोटॉन्स नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता है. बट यू आर गिवन विद जेड. अगर जेड सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे और प्रोटॉन्स भी. क्लियर है यहाँ तक? नाउ फॉर ए यू विल बी एडिंग एन एंड पी. तो 14 + 14 20. क्लियर? फॉस्फोरस अगेन एन नहीं पता है, दीज विल बी 16. What will be the distribution for this? What will be the distribution of neutrons, protons, mass number and atomic number for P3 negative ion? नहीं, ये सारी distribution. Neutrons, protons, electrons, A and Z for P3 negative ion. Phosphorus has gained 3 electrons. हाँ जी. That will be 18. Whenever, अब एक चीज और देखो. Whenever the atom it actually loses or gain any of the electron, यानी कि जब charged species बनते हैं, there will be only change in the number of electrons, बाकी और कुछ भी change नहीं हो.
पॉजिटिव चार्ज कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, जितना न्यूक्लियस का चार्ज है डेट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ओनली हेयर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी टेकिंग प्लेस। इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो चेंज होगा बट बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी सेम रहेंगी। ओके, अब ये दोनों तो न्यूक्लियस का पार्ट है तो न्यूक्लियस का चार्ज तो सेम रहेगा, ठीक है, तो डेट मीन्स हेयर इफ दिस इज 16 इट विल रिमेन 16, इफ दिस इज 15 इट विल रिमेन 15। इलेक्ट्रॉन्स 15 थे, कितने इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो आपने 15 में कितने ऐड कर देने हैं, दैट इज 18। अब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स बिल्कुल सेम रहे हैं, कितने हैं मास नंबर, इट विल बी 31, 16 प्लस 15 करोगे दैट विल बी गिविंग यू 31। ये क्या देता है आपको, दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स भी क्या रहे हैं, सेम है, तो ये भी चेंज नहीं होगा, इट विल आल्सो बी। इज दिस क्लियर? नाउ राइट डाउन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर S2 नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, आपने न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं सारे, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ए एंड जेड फॉर ऑल दीज। अब ये सारे डिफरेंट है ना, इसमें से नहीं है, अब आपको सारा देखना पड़ेगा। इन सब का आपको मास नंबर पता है, इन सब का आपको मास नंबर पता है, इन सब का आपको एटॉमिक नंबर पता है, प्रोटॉन्स निकल जाएंगे, न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे, करो सॉल्व इनको। I have not given you anything in this question. Atomic masses, neutrons plus protons. पहले लिखते हैं S2 negative के लिए, then Al3 positive के लिए, Cl negative and K positive. Okay, tell me the atomic number of all these. S2 negative. 16. Very good. Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का 13 है, 17 फॉर क्लोरीन एंड 19 फॉर पोटेशियम, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट ए पे, सल्फर का एटॉमिक मास 32, वेरी गुड, एल्यूमिनियम का, वेरी गुड, ये पॉइंट्स में वैल्यू आएगी इसकी यहाँ पे, ए माइनस जेड में ना, ये रहने देते हैं पॉइंट्स वाला, क्योंकि पॉइंट्स वाला केस नहीं करेंगे हम, कोई और एग्जांपल देते हैं। सोडियम ऑक्सीजन, आप जितना दिया पहले उतना करो, मैं खुद देख लूंगी क्या देना है। चलो बोलो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, मास, निकालो पहले, सारा सॉल्व कर लो, मैं पूछती हूँ। हाँ जी, कर लिया सबने, लास्ट सेकंड डेक्स बेटा, रेजा स्टैंड अप बेटा, पहले का बताओ, प्रोटॉन्स कितने होंगे, सिक्सटीन, ओके, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, 16 होंगे, न्यूट्रॉन्स, हाँ जी, न्यूट्रॉन्स बेटा, अभी मैं सारा बता के आती हूँ आपको, सारा
टोटली हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया. अब मुझे ये बताओ पहले प्रोटॉन्स किसके इक्वल होंगे? हाँ जी रेजा बोलो बेटा. इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? है 16 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके प्रोटॉन्स 16, न्यूट्रॉन्स वो भी 16 है. आपने न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले? कैसे निकाले न्यूट्रॉन्स? वेरी बैड बेटा, सिट डाउन. Firstly, if we will be doing A minus Z, तो यहाँ पर 16 आएगा. That will be for the neutrons. जितना Z है उतने ही protons आएंगे. Here the electrons they will be changed. 16 ने 2 electrons accept किए हैं, तो that will be giving you. हाँ जी last X, stand up बेटा. बोलिए न्यूट्रॉन्स वो लास्ट है बेटा. 27 माइनस 13 दैट इज गोइंग टू गिव यू 14 पी इलेक्ट्रॉन्स. कैसे निकाले हमने 10? यहाँ 13 से हमने क्या माइनस कर दिए हैं? 3. ओके देयर विल बी लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स. कहाँ से? तू खड़ा आ जा. चल नेक्स्ट तू ही बता. व्हाई यू आर सो कंफ्यूज्ड? न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स 7. प्रोटॉन्स 7. इलेक्ट्रॉन्स? हाँ तो ठीक तो है फिर. व्हाई यू बिहेविंग लाइक यू आर कंफ्यूज्ड? वन कहाँ से? बस कर. मिलन बताओ बेटा इसका. न्यूट्रॉन्स आर 20 ठीक है. प्रोटॉन्स बेटा 19 में से एक माइनस कर देना है. डेट इज समझ आ गया. अब हमने नॉर्मल स्पीशीज के लिए भी कर लिया, हमने चार्ज स्पीशीज के लिए भी कर लिया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रॉनिक शेल कॉन्फ़िगरेशन. Now here we are actually concerned with the shell configuration. A minus Z. चलिए shell configuration और electronic configuration. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है that in the case of the Bohr model, तो उसने कहा था कि जो electrons हैं वो circular orbits में circular shells में क्या करते हैं? Revolve करते हैं. And he numbered these shells as K, L, M and N shell. Now the number of electrons in these shells, it will be according to the Bohr-Bari scheme. Bohr rule hai, that is 2N square rule. Theek hai? Rest we will continue tomorrow.